जब कोई रिश्ता शुरू होता है तो कितना प्यारा लगता है ना, मतलब नए लम्हे बनते हैं, खूबसूरत चीजें होती हैं, खूब अपनापन सा लगता है, सब होता है। पर फिर क्यों इन रिश्तों में, मतलब कुछ रिश्तों में एक टाइम के बाद धीरे धीरे एक दीवार खड़ी हो जाती है। वो दीवार ये ट्रस्ट, लॉयल्टी, विश्वास, इन सब चीजों से बहुत परे होती है, क्योंकि वो दीवार होती है कुछ अनकही और अनसुनी कहानियों की, जिन्हें हम अक्सर गलत फहमियों की दीवार भी कहा करते हैं। और पता है गलत फहमियों की दीवार के साथ सबसे खराब बात क्या है, कि वो जब बनना शुरू होती है ना, तो वो रिश्तों की गहराई नहीं नापती, ना ही उन्हें सालों से तोड़ती है, बस वो एक एक करके अपनी ईंट रखती चली जाती है और कब बन जाती है पता भी नहीं चलता। यूं ही थोड़ा ना गुलजार साहब ने लिखा है कि फासले कर लिए तुमने, दीवारें खड़ी कर ली हमने, देखो छोटी सी गलतफहमी ने कितनी तरक्की कर ली। ये दुनिया का असूल है कि आज तक कुदरत ही कोई रिश्ता नहीं टूटा, मतलब किसी कुदरत ने किसी का रिश्ता नहीं तोड़ा। रिश्ता टूटा है तो इंसानों ने ही तोड़ा है, और कुछ ने नफरत से तोड़ा है, कुछ ने गलतफहमियों से तोड़ा है, कुछ ने बस मन भर के तो तोड़ दिया, मजबूरी में तोड़ा है। पर गलत फहमियों से टूटी रिश्तों की पता एक खराब बात क्या होती है, कि वो जब खत्म होते हैं ना, तो पीछे सिर्फ दो चीजें छोड़ के जाते हैं। एक होती है यादें। यादों का क्या है कि वो कहते हैं कि व्हाट्स द बेस्ट एंड व्हाट्स द वर्स्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू समवन इज मेमोरीज। बट यादों की एक खासियत भी होती है कि इंसान उनके साथ जीना सीख लेता है। वो कहते हैं कि यादों की याद भी जी लेंगे, लेकिन जी लेंगे। बट जो दूसरी चीज होती है, जो कि वो एक शब्द होता है ना, काश, काश मैंने ये कर लिया होता, या काश मैंने वो कर लिया होता, ये काश से शुरू होती है द रिग्रेट ऑफ द ग्रेट जर्नी ऑफ रिग्रेट्स। और ये रिग्रेट जो होते हैं ना, मेरे पापा का कहा करते हैं कि जिंदगी में कोई बोझ इतना भारी नहीं लगेगा तेरे को। तू पढ़ाई का बोझ भी एक टाइम के बाद झेल लेगा, तू सब खत्म हो जाता है। तू जॉब का बोझ भी एक टाइम के बाद सब खत्म सा हो जाता है। ये जो रिग्रेट्स का बोझ होता है ना, ये तब और साथ रहते हैं और तुम्हें तुम्हारी गलतियों का हमेशा एहसास दिलाता रहता है। पर एक चीज देखिए ना, तो कोई भी चीज इस दुनिया में आई है तो उसकी ख्वाहिश तो होती है। अब गलत फहमियां हम इंसान ही तो लाए हैं इस दुनिया में, तो गलत फहमियां जब किसी रिश्ते में आती है ना, तो वो किसी रिश्ते को तोड़ने या खत्म करने नहीं आती। गलत फहमियों का भी ख्वाहिश होता है कि कोई जिस रिश्ते में मैं आई हूं, उस रिश्ते में मौजूद लोग मेरे साथ दो पल गुजार ले और मुझे समझ ले, मैं चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना। मतलब कोई उससे दो पल के लिए बात कर लेना, वो चली जाती है। पर क्या करें, है तो हम इंसान ही, जब एक रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरत होती है बात करने की, तब हम चुप्पी साध लेते हैं कि वो क्या सोचेगा, क्या वो सही या मैं गलत, या वो गलत मैं सही। पर क्यों हम खुद को रोक लेते हैं ये सवाल करने से? जब रिश्ता बनाया था या जब मोहब्बत हुई थी, तो कभी रोक पाए थे खुद को बोलने से, या बस बोल दिया था ना, नहीं रोक पाए थे? तो अब क्यों ये करते हो कि बोलना ये नहीं है? पता, जो रिश्ते मिले नहीं होते ना और उन्हें खो देते हैं, तो इतना गम नहीं होता, क्योंकि जो पाया ही नहीं जिसको, उसको खोने का क्या डर। पर जिस रिश्ते को पा लेते हो और वो अपने दिल के करीब आके जब तुम उसको छोड़ते हो ना, तो उस टाइम रियलाइज नहीं होता, लेकिन बहुत दिनों बाद तुम्हें पता चलता है कि अगर वो 3 सवाल उससे कर लिए होते ना, तो आज वो रूठा जरूर होता, मगर उसका साथ जरूर होता और जिंदगी ने भी रुलाया नहीं होता। तो बात करो यार, मतलब बात करने से चीजें सही हो जाती है। मेरे को ये लगता है छोड़ना कभी गलत फहमी के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और किसी इंसान की अहमियत उसके साथ रहते रहते जान लोगे ना, तो जीत जाओगे। वरना अगर जिंदगी ने कभी तुम्हें अहमियत समझाई ना, तो वो पहले तो तुमसे वो चीज छीनेगा और फिर समझाएगा, और वो फिर देखा नहीं जाता। और कभी उसमें झुकना भी पड़ेगा तो अफसोस मत मनाना, क्योंकि झुकते वही है जिन्हें रिश्तों की कदर होती है, वरना दुआ सलाम तो गैरों से भी होती है। तो और ये मैं नहीं बोल, मतलब किशोर जी ने भी अपने गाने में कहा है कि याद आ जाए किसी को कि कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं,
उम्र भर चाहे पुकारो उनका नाम, वो फिर आते नहीं, वो फिर आते नहीं। जिंदगी चार दिन का मेला है, क्या किसी से गिला करे, यही साथ जाना है कि किससे क्या निभाया, किसको कितना माफ किया, किससे किसको अपना निभाया, किससे अपना बनाया। तो बस उसी के ऊपर वो कहते हैं ना लोग कि लोग अक्सर पूछा करते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे। लोग अक्सर पूछा करते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। हम कहते हैं एक दिल लेके आए थे, हजारों दिलों में जगह बना के जाएंगे। थैंक यू।